बोलिए, सिद्धिदात्री माँ जगदम्बा भवानी की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में महामाई के आशीर्वाद से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस डिजिटल प्रसारण की चतुर्थ अस्थायिका में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके सभी भक्त श्रद्धालुओं और यजमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही मंचासीन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास महामनस्विनी साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, लोग स्तब्ध रह जाते हैं, दे आर लिटरली स्टंड, जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से यह संदेश उन्हें दिया जाता है कि सनातन पद्धति के अनुसार जब एक जिज्ञासु पूर्ण गुरु की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो तत्क्षण ईश्वर के तत्व स्वरूप का दर्शन अपने घट के भीतर कर लेता है। हैरान होने के साथ साथ वो लोग काउंटर भी करते हैं, प्रश्न भी करते हैं कि ये कैसे संभव है, हमारे सर पर कर्म संस्कारों की इतनी भारी पोटली है, हमारे भीतर विषय विकारों का अंधकार है, ऐसे में ज्ञान दीक्षा के समय ही इतनी सरलता से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाना, ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं होती। सज्जनों, इसका उत्तर हमें मिलता है महिषासुर मर्दन की अद्भुत गाथा से, जिसे गत दिवस आपने आदरणीय कथा व्यास जी के मुखारविंद श्रवण किया। आपने सुना, जब महिषासुर के आतंक और पाप का अंधकारमय साम्राज्य उसके चरम पर था, उस समय देवताओं की करुण पुकार सुन मां भगवती अपने संपूर्ण श्री विग्रह के साथ वहां प्रकट हुईं, और जैसे ही मां प्रकट हुईं चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मां ने एक एक कर सभी दैत्यों का अंत किया और महिषासुर के उस अंधकारमय साम्राज्य का संपूर्ण नाश हुआ। मां के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन कर त्रस्त हृदयों में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। ऑल देयर मिजरीज एंड वरीज फाइनली केम टू एन एंड, और हर ओर शांति की स्थापना हो गई। सज्जनों, ठीक इसी तरह जब हमारे भीतर भी देवताओं जैसी पुकार उठती है, जब मां से मिलन की तीव्र इच्छा हमारे भीतर उत्पन्न होती है, तो विषय विकारों का कितना ही सघन अंधकार क्यों ना हो, पूर्ण गुरु की कृपा से ज्ञान दीक्षा के समय ही उस ज्योता वाली मां का प्रकटीकरण हमारे घट के भीतर हो जाता है। उनकी अखंड ज्योति का, उनके ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता है। और इसके बाद जिस प्रकार मां ने एक एक कर सभी राक्षसों का अंत किया था, ठीक उसी प्रकार ज्ञान दीक्षा के उपरांत जब साधक निरंतर ध्यान साधना करता है, तो उसके भीतर का प्रकाश, वो ज्ञान अग्नि हमारे भीतर के हर एक विकार का अंत कर देती है, उसका नाश कर देती है, और हम उस परम शांति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, समाज की हर एक इकाई इसी प्रकार भीतर का प्रकाश, वो ज्ञान अग्नि हमारे भीतर के हर एक विकार का अंत कर देती है, उसका नाश कर देती है, और हम उस परम शांति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, समाज की हर एक इकाई इसी प्रकार शांत हो सके, इसके लिए अत्यावश्यक है कि वो सनातन ध्यान पद्धति का समाज में प्रसार हो। बट आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज कि आज ध्यान के नाम पर
लोग अपनी अपनी ही दुकानें चला रहे हैं. Some people give out juggling philosophies, sugar-coated words and complex theories. कुछ moral teachings और preachings देते हैं, लेकिन practical experience of God से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं. यदि ऐसे लोगों से आपका सामना होता है तो याद रखिएगा, शब्द जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम. शब्दों का जाल आपको सिर्फ उलझाएगा, भगवती की ओर लेकर नहीं जाएगा. भोजन की बातें करने से भूख नहीं मिटा करती, भोजन खाना पड़ता है. इसीलिए ईश्वर की बातें करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ईश्वर का साक्षात्कार अपने घट के भीतर करना होगा. कुछ लोग तो योगा प्राणायाम ही करवा देते हैं ध्यान के नाम पर, बट अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, प्राणायाम कम्स ऑन द फोर्थ पोजिशन एंड ध्यान और मेडिटेशन कम्स ऑन द सेवेंथ पोजिशन. देयरफॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैन नॉट बी ध्यान और परफेक्ट मेडिटेशन टेक्निक. कुछ लोग एक एक कर चक्रास को अवेकन करने का दावा करते हैं, चक्रास को जागृत करने का दावा करते हैं, लेकिन सजनों क्या आप जानते हैं ये जो चक्रास हैं, ये हमारी बॉडी के सेंसिटिव एनर्जी सेंटर्स होते हैं. जब एक अनक्वालिफाइड पर्सन इनके साथ छेड़छाड़ करता है तो इट लीड्स टू इम्बैलेंस एंड सिवियर आफ्टर इफेक्ट्स. Only a perfect guru can directly awaken our Agya Chakra and make us realize divinity then and there. कुछ लोग कहते हैं ध्यान करना है, चलिए इस वस्तु पर फोकस कीजिए, इस सेंसरी ऑब्जेक्ट पर फोकस कीजिए. But brothers and sisters, that is not meditation but concentration. किसी वस्तु पर कॉन्सेंट्रेट करने से हमारा मेंटल फोकस तो इम्प्रूव हो सकता है, बट हम डिविनिटी से कनेक्ट नहीं हो सकते. To connect to that divinity, we need to go beyond the realms of this mind through a supra-sensorial technique, that is Brahmgyan. और इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि यदि आपको वो perfect meditation technique चाहिए, वो सनातन पद्धति ध्यान की चाहिए, तो आप किसके पास जाएं? तद विज्ञानार्थं स गुरु में वाभि गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो स्वयं ब्रह्म में स्थित हैं और आपके भीतर भी माँ के उस ब्रह्म स्वरूप का प्रकटीकरण कर सकते हैं. आदरणीय कथा व्यास जी ने गत दिवस इसी तथ्य को उजागर करते हुए कहा कि यदि आप ऐसे गुरु की शरणागति हो जाते हो तो आपके जीवन के समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं. आपके जीवन में आनंद और सुख की धारा बहती है, मन के सभी बंधन खुल जाते हैं और आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है. सज्जनों, अपने निजी अनुभव से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का हर एक शिष्य ये डंके की चोट पर कह सकता है कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में उस माँ के तत्व रूप का दर्शन उनके घट के भीतर करवा उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन को संभव किया है. आज ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने गुरुदेव की कृपा से उस ईश्वर का साक्षात्कार कर अपने जीवन में उस आनंद और शांति को अनुभव किया है. यदि आप भी ईश्वर साक्षात्कार के अभिलाषी हैं तो आगे बढ़ें और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें. ऐसा ही आवाहन गत दिवस आदरणीय कथा व्यास जी ने किया था. आए अब आज के कथा प्रसंग के लिए हम उनसे आग्रह करते हैं, लेकिन इससे पूर्व हम बताना चाहेंगे जो कथा के यजमान हैं वो ऑनलाइन पूजन आरंभ कर चुके हैं, उनके नाम है. अब हम आप सभी की ओर से आदरणीय कथा व्यास जी से आग्रह करते हैं कि वो आज के कथा प्रसंग को हमारे समक्ष रखें. एक बुलंद जय घोष माँ के श्री चरणों में अर्पित करेंगे. बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय. सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय. साचे दरबार की जय.
सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृ रूप महेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृ रूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृ रूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृ रूप महेश्वरी जग जीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी जग जीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी कृपालिनी जग तारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी जगतारणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी
अधूरे हैं हम, आप पूरा कर दीजिए। अंधकार में डूबे हुए हैं, इस अंधकार से मुक्त कर दीजिए। मृत प्राय इस जीवन को अपने प्रेम की संजीवनी से भर दीजिए। हे माँ, अपने अंक में धारण कर हमें इस भवसागर से पार कर दीजिए। आप ही संपूर्ण जगत की जननी हैं, आपके ही स्मित हास्य से ये संपूर्ण जगत तरंगित होता है, आनंदित होता है। अपनी कृपा की वर्षा हमारे जीवन में कर इस भव से पार कर दीजिए। हमें भी अपने अंक में धारण कर इस भव से पार कर दीजिए। आपकी ये संतानें आपके ही श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं। भव आरण्य नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भव आरण्य में प्रवेश कर एक भटकती हुई जीवात्मा को, जो भव से पार लगाने के लिए मार्ग दिखाते हैं, सतपथ प्रदान करते हैं, ऐसे महान सद्गुरु सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने इस कली काल में हमें जीवन का सुपथ, वो श्रेष्ठ भक्ति पथ प्रदान किया है, उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन। बोली आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। माँ के प्रिय भक्तों, इस पावन मन से आप सभी का श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। भक्तों, माँ की असीम कृपा से हम अपने जीवन के उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए उस सतपथ के बारे में जान रहे हैं, उस पर आने वाले अलग अलग पड़ावों को जान रहे हैं, और माँ हमें जीवन की दिशा दिखा रही हैं। यह हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि हमें ये स्वर्णिम अवसर आया है, जो स्वर्णिम अवसर हमारे जीवन का रुख परिवर्तित कर सकता है। भक्तों, आप सब ने बचपन में एक खेल अवश्य खेला होगा, वो खेल है सांप सीढ़ी का खेल। खेला है ना आप सब ने? जब हम छोटे थे तो अपने मित्रों के साथ सांप सीढ़ी के उस खेल को लेकर बैठ जाते थे। एक एक व्यक्ति पासा फेंकता था, उस पे जो संख्या आती थी अपनी गोटी से उस सांप सीढ़ी के पट पर जो चित्र बना था उस पर हम उस संख्या को चलते थे। जानते हैं भक्तों, इस सांप सीढ़ी के खेल का निर्माण कहाँ हुआ, आविष्कार कहाँ हुआ? ये खेल कोई विदेशियों ने भारत में नहीं लाया था, जिसे हम स्नेक्स एंड लैडर्स बोलते हैं। वास्तव में भारत के ही एक संत ज्ञान देव जी ने इस खेल की रचना की थी, और उन्होंने इस खेल का नाम रखा था मोक्ष पट। वास्तव में इस छोटे से खेल में उन्होंने एक मानव के संपूर्ण जीवन की गाथा को समेटा था। 1 से 100 तक की संख्या होती है उस सन लैडर्स के खेल में, और हर एक खिलाड़ी को पासे दिए जाते हैं, और पासों में जो संख्या आती है उसके अनुरूप वो उस मोक्ष पट के खेल पर चलता है। इस मोक्ष पट के खेल में जो पहली संख्या है वो वास्तव में हमारे जन्म का द्योतक है,
और संत ज्ञानदेव जी मानव समाज के समक्ष ये रखना चाहते थे कि जन्म के अवसर से उस पहली संख्या से उस अंतिम संख्या तक पहुंचने के सफर को जीवन कहा गया। हर एक इंसान का लक्ष्य अपने जीवन के परम पद उस मोक्ष पद तक पहुंचना है जो अंतिम पड़ाव है उस मोक्ष पट के खेल का, और बीच में उस मोक्ष पट पर बहुत सारी सीढ़ियां और बहुत सारे सांप हैं। अब एक खिलाड़ी पासा फेंकता है और पासे पे आती है तीन की संख्या, वो एक दो तीन चलता है, तीन पे है एक सीढ़ी, उस सीढ़ी को पकड़कर भले ही उसके पासे में तीन आया था लेकिन वो सीधा 11 पर पहुंच जाता है, ऐसा ही होता है ना। अब दूसरे खिलाड़ी ने पासा फेंका, उसके पासे पर आई पांच की संख्या, अब उसने एक दो तीन चार, पासे में तीन आया था लेकिन वो सीधा 11 पर पहुंच जाता है, ऐसा ही होता है ना। अब दूसरे खिलाड़ी ने पासा फेंका, उसके पासे पर आई पांच की संख्या, अब उसने एक दो तीन चार पांच करके वो पांच पर जब पहुंचा तो वहां पर एक सर्प था, उस सर्प का दंश लगा और वो वापस आकर दो पे टिक गया। पासे पर कोई भी संख्या आए उसके अनुरूप ही हमें चलना होगा, और जब उसके अनुरूप चलेंगे तो आगे सांप मिल सकता है या ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने कर्म को करे, लेकिन वो जिस प्रकार का कर्म करेगा, अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसे सीढ़ियां मिलेंगी और वो सीढ़ियों से चलता हुआ शीघ्र अति शीघ्र अपने जीवन के गंतव्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो गलत कर्म करेगा तो उसे सर्प का दंश मिलेगा और आगे बढ़ते हुए उसे वापस गिरना पड़ेगा, वो अपने जीवन में गिरेगा, नीचे गिरना पड़ेगा उसे। भक्तों, ये मोक्ष पट का खेल हमें संकेत दे रहा है, समझा रहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मों की गति अत्यंत न्यारी है, इसलिए इस कर्मों की गति को समझना बहुत आवश्यक है। और जिस गाथा को हम श्रवण कर रहे हैं आज, उसमें भी कुछ पात्र हैं जो अपने जीवन के इस मोक्ष पट के खेल में कुछ कार्य कर रहे हैं, और उनके जीवन की ये धारा हमें कुछ समझा रही है। तो इसलिए कर्मों की इस गति को समझते हैं और एक आत्मविश्लेषण साथ साथ करते चलेंगे। तो इसके लिए अब क्या करना होगा भक्तों, हमें चलते हैं कथा प्रसंग की ओर और सुनते हैं कि शौनक आदि ऋषि जो सूत जी से ये कथा सुन रहे हैं आज, वो कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं। हम भी उसे श्रवण करते हैं और बढ़ते हैं आज के कथा प्रसंग की ओर। एवं विशिष्ट धर्मेण शिष्ट त्वं कीदृशं पुनः, एवं विशिष्ट धर्मेण शिष्ट त्वं कीदृशं पुनः, हत्वा वृत्रं तु विश्वस्तं, हत्वा वृत्रं तु विश्वस्तं, शक्रेण छद्मना पुनः। अगर आप इसी तरह का सत्संग और भजन सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।